हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट दूध लेने, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया है घर पे और सुबह दूध लेके फिर चाय बनाऊँगा। और आपने अगर वो मूवी देखी होगी बत्ती गुल मीटर चालू, शायद कपूर की, तो उसकी शूटिंग यहीं हो रखी है न्यू दिल्ली में, आप सर्च करना। तो जिस टाइम मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर शायद कपूर भी आ रखा था, तो दिखा था मुझे। बटर के साथ राइस केक है इसमें और आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। यार पीनट बटर ये वाले खा रही हूँ। चीतल भी रेडी हो गई और मैं भी रेडी हो गया और हम जा रहे हैं यहाँ से लेक की तरफ, थोड़ा सा देख के आते हैं क्योंकि आज संडे है और वो फ्री है, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि मतलब उसने मुझे बोला कि घूमने चलते हैं आज। तो Let's go. How you think it's funny? What's funny for you, Sheetu? You must say hi to the viewers. Actually guys, हम उनके यहाँ जा रहे हैं, ये स्कूटी है ना, तो उनसे स्कूटी लेके फिर जाएंगे घूमने के लिए। तो यहाँ से कितना नीचे? I'm enjoying the process. देखो मुझे कार्डियो पसंद है, उतरना मुझे, चढ़ना तुझे? मुझे हाँ दोनों पसंद नहीं है। उतरना ज्यादा वो है, प्लेन रास्ता से लगता है, उतरने में थोड़ा मजा नहीं है क्योंकि पैरों पे जोर पड़ता है। हाँ चढ़ने में नहीं पड़ता ज्यादा, चढ़ने में बस थकान लगती है और उतरने में पैरों में ज्यादा बहुत ज्यादा वो लगता है यार, अजीब सा। तो गाइज थोड़ा सा जो डिस्टेंस हमने आधा कवर कर लिया है, तो जिसने स्कूटी लानी है वो कह रही है कि हम यहाँ पे आके खुद आपको स्कूटी दे देंगे, इतने अच्छे होते हैं हमारे पहाड़ी लोग, है ना। अशोक के साथ चलेंगे कल कहीं घूमने शाम को, अशोक का लग गया तो कल परसों में। अशोक भाई शाहरुख खान भाई ने कर रखा सब्सक्राइब मेरे को, तूने बोला था लाइक मॉडल्स आनी पड़ेंगे उसको, ये आ गई है शायद। मैंने सोचा आप बोराडी आ रहे हो, तो हम निकल चुके हैं यहाँ से लेक की तरफ जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या है कैसा है शूट। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो गाइज यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये न्यू दिल्ली का गवर्नमेंट बोराडी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अभी बहुत सही जगह आने वाली है, अभी एक बहुत ही अच्छी जगह आने वाली है। क्या है वो जगह? ठेका। वाह कितना अच्छा स्टैचू बन रखा है। क्या थोड़ी देर में आप लोगों को तीन चीज दिखाते हैं। खुद देख के मतलब एकदम ऐसा लगेगा फॉरेन में आ गए आप लोग। जब से वो बना है मैं तब से गया ही नहीं हूँ वहाँ उस जगह पे, जो वो प्लेस है मतलब काफ़ी डेवलप हो चुकी है वहाँ पे, बोटिंग वगैरह सब कुछ करने के लिए। यहाँ पे हम ऊपर का व्यू देख सकते हैं, बस यहाँ से हम चलते हैं आगे। चलो ओ भाई 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 क्या कर रहा है? तो गाइस ये है टिहरी की ब्यूटीफुल सीनरी, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ से क्या डैम साइड जाएगा।
कैन यू फील द हॉटनेस? या आई कैन फील द हॉटनेस। और नंबर तो गाइस, अब हमारा बोटिंग वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हमें बोटिंग करनी है वो पॉइंट आ चुका है ना? हाँ, और यहाँ से अब हम बोटिंग करेंगे। गाइस, यहाँ पे जो हमने एंट्री फीस दी है वो हमने दी है 20 रुपीज़ की। टू व्हीलर्स के लिए 20 है, फोर व्हीलर्स के शायद 50। और यहाँ का व्यू देखो, ये जो आप पानी देख रहे हो, एक टाइम पे यहाँ पे पूरा शहर हुआ करता था और इतना बड़ा शहर था, पूरा का पूरा, पुरानी टिहरी बोलते हैं इसको, पूरा का पूरा आप जो देख रहे हो पूरा नीचे डूब चुका है और इसके ऊपर डैम बन चुका है। यहाँ पे लोग बोटिंग करते हुए दिख रहे हैं। कलर देखो आप, पूरा का पूरा लेह लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं उसकी इसे ऊपर भी लगा रही थी, वो दिया आपको। चले पर्ची क्यों कटनी है? सीधा टिकट कटेगा ना? बहुत धूल है भैया। बस यहाँ पे पहले वाटर मैट बिछा हुआ था बट अब है नहीं, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो डाउन हो चुका है, तो वो अभी है नहीं यहाँ पे। पूरे मूड के माफेन हो गई, अनकम्फर्टेबल जगह में बिठा रखा ना इस भाई ने। मैं कसम से मेरा मन नहीं कर रहा बोल दो बैठने का, नज़ारे देखने आ रखा कि लोगों की शक्ल देखने आ रखा। मुझे बैठिए पता बोलते हैं डिग्री है मेरे को तैयार चलाने को भाई। नियाल भाई ने हमें दे दी है बोटिंग चलाने को, थैंक यू नियाल भाई। पहले तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, पर फिर मेरी बहन ने मुझे बोला कि पीछे की तरफ बैठ जा, पर मेरे दिमाग में आया कि मैं चला ही लेता हूँ, तो मैंने चला लिया है और थोड़ा इसका भी मूड स्पॉइल हो गया था क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। तो हमारी बोटिंग हो गई है, आज का एडवेंचर यहीं पे हम थोड़ा सा ख़त्म करते हैं और हम करेंगे खाना वाना, खाएंगे, घर जाएंगे, शाम को वॉक करेंगे बस। बोटिंग सेशन खत्म, अब हम जा रहे हैं कहाँ? टिहरी वापस। बोटिंग से अच्छा तो मुझे स्कूटी चलाते लग रहा है। तो गाइस, अब यहाँ से स्कूटी वापस करने जा रहे हैं और वहाँ से वापस जाएंगे घर, और बीच रस्ते में मार्केट से कुछ सामान उठाना है तो उठा के वापस घर जाएंगे। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।